केमिकल इंडिया कंपनी लिमिटेड द्वारा चौपाल लगाया, किसानों को कीटनाशक दवाओं की जानकारी दी। ये कंपनी सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड के नाम से हो गई है, ठीक है, उसमें मर्ज हो गई है, तो उसका नाम है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे कुछ किसान भाई कहते हैं, अरे उसमें तो एक्सेल लिख के नहीं आ रहा है ग्लाइसिन में, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट और सब कुछ वही है, क्वालिटी उसमें घबराने, वो केवल नाम बदला है, एक्सेल क्रॉप केयर की जगह सुमितोमो केमिकल लिख के आएगा, बाकी कोई परेशानी नहीं है। जो भी प्रोडक्ट आ रहा है क्वालिटी और सब कुछ वही आ रही है। तो आपको बता दें, हमारे रंजन सिंह साहब हैं, इस इधर के रीजनल हेड हैं, और ये हमारे सर मुंबई से आए हुए हैं अभिजीत सर, और थोड़ा सा पहली बार आना हुआ तो थोड़ा सा हमने कहा भाई, पिछले साल हमने कुछ काम किया था अपना, कुछ प्रोडक्ट खास करके अपने टबेजो वगैरह इस्तेमाल किया था, खास करके सीड ब्लाइट बहुत भयंकर पिछली साल अटैक था सामने है, और कुछ किसानों का ये था कि भाई टबेजो इस्तेमाल किया, आगे चल के कंडुआ की भी समस्या सॉल्व रही। तो कुछ प्रोडक्टों के बारे में, जैसे आप लोग ग्लाइसिल मेरा 71 इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी आप लोग कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, सुनने में आता है, किसान का फोन आता है कि साहब ग्लाइसिल पहले जैसा काम नहीं कर रहा, तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आगे हम कैसे इस्तेमाल करें इसको? जी नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले जैसे इन्होंने अभी चर्चा किया कि ग्लाइसिन वगैरह की, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपको ले चलूँगा। 1996-97 में जब ज्वाइन किया, मैं रहने वाला भदोही जनपद का हूँ, जब मैं ज्वाइन किया तो एक पार्टी है गनई गणेश जीबीएन कंपनी, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके यहाँ 250 ml का एक ग्लाइसिन 20 लीटर आया। उसके पहले बहुत लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, घास की कोई दवा अच्छी आ गई है, मोथा दूब की मारने वाली दवा अच्छी है, कुछ घास मारने की कोई अच्छी दवा आ गई है, तो उस पर भी कार्यक्रम चालू किया।